तेलंगाना सरकार को बता देना चाहता हूँ, वो जो जन सैलाब, वो जो इतिहास हिंदू लिखने आ रहा है ना भाग्यनगर की धरती पर, वो आपने देखा नहीं होगा। तो इससे अच्छा जल्द से जल्द टाइगर राजा सिंह जी को रिहा किया जाए, नहीं तो इसकी जिम्मेदार पूरी तेलंगाना सरकार होगी और जो इतिहास जो हिंदू लिखेगा इसकी पूरी जिम्मेदार तेलंगाना सरकार होगी। मैं आपसे ओवैसी बंधु और तालिबानी नारे लगाने वाले, सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों के दबाव में आकर टाइगर राजा सिंह जी की रिहाई होने से रोक रही है। अब हिंदुत्व के प्रति समर्पित करोड़ों हिंदुओं के आदर्श भाग्यनगर के विधायक माननीय टी राजा सिंह को गिरफ्तार हुए आज कई दिन हो चुके हैं, पर तेलंगाना सरकार द्वारा ओवैसी बंधु और तालिबानी नारे लगाने वाले, सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों के दबाव में आकर टाइगर राजा सिंह जी की रिहाई होने से रोक रही है, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और हिंदुओं की प्रखर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। तो मैं तेलंगाना सरकार को बता देना चाहता हूं कि दशहरे से पहले माननीय टी राजा सिंह जी को अगर जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो पूरे भारत देश का हिंदू भाग्यनगर की धरती पे आने को तैयार है। और मैं तेलंगाना सरकार को बता देना चाहता हूँ, वो जो जन सैलाब, वो जो इतिहास हिंदू लिखने आ रहा है ना भाग्यनगर की धरती पर, वो आपने देखा नहीं होगा। तो इससे अच्छा जल्द से जल्द टाइगर राजा सिंह जी को रिहा किया जाए, नहीं तो इसकी जिम्मेदार पूरी तेलंगाना सरकार होगी और जो इतिहास जो हिंदू लिखेगा इसकी पूरी जिम्मेदार तेलंगाना सरकार होगी। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ और सभी हिंदू संगठन तैयार हो जाएं, जो जो नहीं हुए तैयार वो सभी जल्द से जल्द तैयार हो जाएं। अपन सभी को मिलकर माननीय राजा सिंह जी के लिए आवाज उठानी है और उनको रिहा कराना है। अगर ऐसा तेलंगाना सरकार नहीं करती है तो उसके लिए दशहरे के बाद योजना बन चुकी है। अपन सभी को मिलकर जो कार्य कर दिखाना है वो भारत के इतिहास में लिख देना है अपन हिंदुओं को। अगर हिंदुत्व की आवाज कोई उठाएगा तो उसके लिए पूरा हिंदू समाज खड़ा रहेगा और तत्पर खड़ा रहेगा और हमेशा खड़ा रहेगा। और इस बार हिंदू जो इतिहास लिखने जा रहा है वो तेलंगाना सरकार ने देखा नहीं होगा। जय हिंद भारत माता।